हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो एक्सप्लोर के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा की तरफ से आने वाला लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक टोयोटा हाइलक्स। सामने से शुरू करें तो पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ क्रोम सराउंड्स देखने को मिलते हैं, रैप अराउंड हेडलैम्प्स के साथ क्रोम ORVM विद साइड टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट पैसेंजर डोर पर हाइलक्स की ब्रांडिंग, क्रोम डोर हैंडल्स, फ्यूल फिलर, लोडिंग बे और LED टेल लैंप्स देखने को मिलती हैं। व्हील्स की बात करें तो सुपर क्रोम फिनिश्ड 18-inch अलॉय व्हील्स विद ब्रिजस्टोन 18-inch टायर्स हमें देखने को मिलते हैं। मैट ब्लैक साइड स्टेपर और रियर ग्लास पर कोई भी वाइपर देखने को नहीं मिलता। बात करें बूट लिड की तो टोयोटा की ब्रांडिंग, क्रोम बूट लिड ओपनर, स्टॉप लैंप और हाइलक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके लोडिंग बे की बात करें तो ये हमें मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ, और इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1.1 टन। पीछे की तरफ आपको मिलती हैं रिवर्स पार्किंग लाइट्स और इंडिकेटर्स के साथ LED टेल लैंप्स। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखती है हाइलक्स की साइड प्रोफाइल। 5.3 मीटर लेंथ इस गाड़ी को बहुत ही ह्यूज बना देती है, और साथ ही साथ हमें इसमें देखने को मिलती है 216 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, जो इसे एक बहुत ही कैपेबल ऑफ रोडर बनाती हैं। गाड़ी के ORVMs की बात करें तो ये हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल विद साइड टर्न इंडिकेटर्स और क्रोम फिनिश में मिलते हैं। पैसेंजर साइड डोर पर एक वेट सेंसर भी अवेलेबल है। इंटीरियर की बात करें तो पैसेंजर डोर में क्रोम डोर हैंडल, पावर विंडो स्विच और 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलता है, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलती हैं स्पीकर और ट्विटर ग्रिल्स, और साइड से देखने पर कुछ ऐसा लगता है गाड़ी का इंटीरियर। ईजी इंग्रेस और एग्रेस के लिए ए पिलर पर ही ग्रैब हैंडल माउंट किया गया है, और गाड़ी में आता है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ हमें मिलते हैं ORVM कंट्रोल्स, डोर लॉक एंड अनलॉक करने के बटन और पावर विंडो के रिलेटेड कंट्रोल्स। 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, और आइए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइवर सीट से देखने पर कुछ इस तरह से निकल कर आती है गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक। यहाँ भी टोयोटा की सिग्नेचर डिजाइन स्टेटमेंट को इंटैक्ट रखा गया है। गाड़ी के इंटीरियर एस्थेटिक्स आपको इनोवा और फॉर्च्यूनर की याद दिलाते रहेंगे। चौड़ा ग्लास एरिया गाड़ी की ओवरऑल विजिबिलिटी बेटर बनाने में मदद करता है। सामने की तरफ हमें मिल जाता है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑडियो कंट्रोल्स, MID कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ हमें देखने को मिलते हैं गाड़ी के 4x4 सिस्टम से रिलेटेड 4 हाई, 2 हाई और 4 लो के कंट्रोल्स। साथ ही में हमें देखने को मिलता है गाड़ी का ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। रियर डिफरेंशियल लॉक के साथ डाउनहिल असिस्ट भी दिया गया है। बात करें ORVM की तो इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग ORVM दिया गया है। सेंटर कंसोल में डिजिटल क्लॉक, पार्किंग लाइट्स ऑन एंड ऑफ करने का बटन, 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ट्विन कप होल्डर्स, 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद पावर एंड इको मोड्स दिया गया है। गाड़ी में हमें काफ़ी चौड़ी आर्मरेस्ट देखने को मिलती है, और आर्मरेस्ट के अंदर ही एक 220 वोल्ट्स का पावर सॉकेट भी देखने को मिलता है। बात करें गाड़ी में ऊपर की तरफ लगी रीडिंग लाइट्स की तो हमें इसमें काफ़ी ब्राइट रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ हमें सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलता है। गाड़ी की इंटीरियर थीम ब्लैक विद सिल्वर एक्सेंट्स रखी गई है, और गाड़ी की सीट्स ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ काफ़ी प्रीमियम फील करवाती हैं। बात करें ड्राइवर साइड कंट्रोल्स की तो इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्क असिस्ट, DEF, फ्यूल लिड और बोनट ओपन करने के बटन्स दिए गए हैं, साथ ही साथ एक कप होल्डर भी दिया गया है। और आइए अब देखते हैं गाड़ी का रियर पैसेंजर डोर। यहाँ भी हमें क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स और 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलता है। गाड़ी की रियर सीट की बात करें तो सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, 3 हेडरेस्ट और रियर AC वेंट्स मिलते हैं। गाड़ी के बी पिलर पर भी ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि गाड़ी में चढ़ना और उतरना काफ़ी आसान बना देता है। पीछे बैठकर देखें तो गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से निकल कर आता है। गाड़ी में ब्लैक इंटीरियर्स का यूज़ गाड़ी को काफ़ी रूमी फील करवाता है। ड्राइवर साइड रियर डोर की बात करें तो यहाँ भी हमें क्रोम डोर हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल और 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने को मिलता है। इस गाड़ी को अगर हम फॉर्चुनर से कंपेयर करें तो इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो फॉर्चुनर 4x4 ऑटोमेटिक से ये गाड़ी 4 लाख रुपये सस्ती है, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। कमेंट्स में हमें बताइए आपकी पसंद क्या रहेगी, हाइलक्स या फॉर्चुनर।